Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the shahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do nothing, to do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash, it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he has hurtling down that he sees hurtling down the streets of his town. Two airplanes fly over Firozabad. यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने दो अलग अलग दुनिया की बारे में पढ़ा और समझा. यहाँ पर उन्होंने उसी के बारे में हमें बताया कि ये वो दाग है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता. गरीबी, छोटी जाति में पैदा होना, साहूकारों, मिडिलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो दिया गया बर्डन है, जो दिया गया नाइंसाफ़ी है, उसे उनके माता पिता भी कभी नहीं मिटा पाए और ना वो मिटा पाएंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये लगती है कि अब उनमें सपने देखने की हिम्मत भी नहीं है. उन्हें बस इन बोझों को हमेशा ढोना है और जब तक वो जिएंगे, बड़े होते होते इन चीज़ों को उन्हें एडजस्ट करते हुए जीना है. लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि कम से कम इतने लोगों में एक मुकेश एटलीस्ट है जिसे सपने देखने की इच्छा है, जो सोचता है कि वो कुछ अलग करेगा, वो चूड़ियाँ नहीं बनाएगा. वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि गैराज जो है वो उसके घर से काफ़ी दूर है. और वहाँ तक मैंने उसे पूछा, तुम कैसे जाओगे? तो उसने कहा, मैं पैदल चला जाऊँगा, पर मुझे सीखना है. तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाना चाहोगे? तो उसने उस चीज़ पर मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा, ये भी नहीं कहा कि वो ये चीज़ नहीं करना चाहेगा. लेकिन उसके अंदर एक सपना है आँखों में कि वो चाहता है कि वो गाड़ियाँ चलाए. उसने देख कहा, लेकिन हाँ, मैंने प्लेन उड़ते हुए फिरोज़ाबाद के ऊपर से कई बार देखे हैं, लेकिन कभी उनको उड़ाने का सोचा नहीं. इससे हमें ये समझ आता है कि दुनिया में कई सारे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों की अपनी स्ट्रगल, अपनी स्टोरी है. आज हम सब एक हेल्दी, हैप्पी फैमिलीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो वी आर लकी फॉर दैट. लेकिन हर बच्चा इतना नसीब वाला नहीं होता. आज हम सपने देखने की हिम्मत रखते हैं या हमें उसकी अलावेंस है, लेकिन हर बच्चे को इस चीज़ की अलावेंस नहीं होती. सब हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी दी हुई अलावेंसेस को कभी भी ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए.